G20 समिट में पधारता खास मेहमानों ने आवकारवा माटे कच्छ भुजनो एयरपोर्ट बनसे सज। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 तारीख में G20 के सारे डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे और 10 तारीख तक का उनका प्रोग्राम है। तो उस लिहाज से हमारा जो है 3 जगह हमने चिन्हित की हैं। एक तो एप्रन साइड पर उनका जहाँ वेलकम होगा, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होंगे, और दूसरा टर्मिनल बिल्डिंग, और तीसरा हमारा एयर सिटी साइड। तो तीनों को हमने वर्गीकरण करके हर एक का अलग अलग प्लान बनाया है, ताकि जो है पूरा जो है गुजरात और ख़ास तौर से कच्छ की जो हमारी विरासत है उसकी वो पूरी तरीके से उसको देख पाएँ। साथ ही साथ उनका वेलकम प्रोग्राम रहेगा, उसमें कल्चरल आर्टिस्ट हमारे लोकल रहेंगे। ये हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ राज्य सरकार का पूरा सहयोग इसमें है हमें सजाने में, और साथ साथ जो हमारा एक एक्स्ट्रा लाउंज हम जो डेवलप कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, ताकि मेहमान जो हमारे यहाँ हैं वो यहाँ की विरासत के साथ साथ जो हमारी जो अतिथि की जो एक सत्कार है उसका भी एक स्मृति अपने मन में लेकर जाए और ये कहें कि हाँ भाई, हम वहाँ कच्छ गए थे तो कच्छ जैसा वाकई किसी ने कुछ नहीं देखा अगर कच्छ नहीं देखा। तो यही एक कोशिश है कि बढ़िया से बढ़िया बहुत अच्छा एक विश्व स्तरीय उनका वेलकम किया जाए। कि ये एक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक सेवा शुरू करी है कि जहाँ पे लोकल आर्टिशंस को, लोकल क्राफ्ट्समैन को अपनी कला दिखाने का मौका दिया जाएगा, और उसी एक कड़ी में ये एक शुरुआत है। माननीय विधायक महोदय हमारे, आज उन्होंने अपना समय दिया कि यहाँ पे एक टूरिज्म के साथ साथ उनके कला कौशल को विकास करने के लिए भी ये एक नया एक हमारा एक कदम है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 15 दिन के लिए बगैर किसी पैसे के हम लोकल आर्टिशन को या सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये जगह देंगे, वो अपना प्रोडक्ट लाएगा यहाँ हमारे यात्रियों को, जो भी इसमें इस समय विदेशी यात्री भी काफ़ी आए हुए हैं, तो वो यहाँ की कला के से परिचित होगा और उसको यहाँ पर रेडीमेड मॉडल मिलेगा। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग होगी आर्टिशन की, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो उसे अच्छा प्रोडक्ट कम दामों में भी विकसित हो।